हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी, जिसे खाकर आप नॉनवेज खाना भी भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए कटहल की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने कटहल की सब्जी बनाने के लिए एक कच्चा कटहल लिया है। अब हम इस कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो मैं इस कटहल के आधे हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कटहल का जो पीछे का हरा हिस्सा है और बीच का जो हार्ड हिस्सा है, उसे हमें नहीं लेना है। कटहल को जिस भी बर्तन में रखे, इस पर तेल जरूर लगा लेना, नहीं तो कटहल से निकलने वाले आटा बर्तन पर चिपक जाएगा। एक कढ़ाई पर मैंने 2 से 3 कप पानी गर्म होने दिया है। जब पानी गर्म हो जाए, तब हम कटी हुई कटहल को पानी से अच्छे से साफ करके इसमें डाल देंगे। सारे कटहल को पानी में डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करके मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है और हमारा कटहल भी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम बॉयल हुआ कटहल को पानी से निकाल लेंगे। मैंने इस कटहल को उठाने के लिए छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि छन्नी से निकलने पर कटहल में पानी रह नहीं जाते हैं। तो मैंने सारे कटहल को पानी से निकाल लिया है। अब इस कटहल को एक बड़ी सी बाउल पर ले लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लंबाई में कटी हुई 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1.5 से 2 चम्मच लहसुन पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1/6 चम्मच हल्दी पाउडर, 2/6 चम्मच जीरा पाउडर, 1/6 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/6 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और लगभग 2 बड़ी चम्मच तेल। अब हम इस सारे मसाले को कटहल से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, मसाले को कटहल से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे पकाते हैं। चूल्हे पर एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब इसमें 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल लेकर गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए, तब इसमें 2 सूखा लाल मिर्च और 1/2 चम्मच साबुत जीरा डालकर अच्छे से भून लेंगे। जब ये सब भून जाए, तब हम मैरिनेट किया हुआ कटहल को डाल देंगे। अब इस कटहल को हमें धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करना है। कटहल जल्दी जल्दी पक जाए, इसलिए इसमें 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। लगभग 2 मिनट हो गया है। अब हम इस कटहल को बिना ढक्कन के लगभग अच्छे 10 मिनट फ्राई करेंगे। कटहल को फ्राई करते समय फ्लेम मीडियम ही रखना है, नहीं तो कटहल अंदर से नहीं पकेंगे। तो हमने कटहल को लगभग 10 मिनट फ्राई कर लिया है और देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप गर्म पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं।
अब हम कटहल को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से पानी 50% सूख ना जाए। लगभग 10 मिनट पकाने के बाद इसमें से लगभग 50% पानी सूख चुका है और हमारा कटहल की सब्जी रेडी है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और कुछ फ्रेश धनिया पत्ता डालकर मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। तो हमारा कटहल की सब्जी तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। यदि आप इस तरीके से एक बार कटहल की सब्जी बनाकर खाएंगे तो इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस तरीके से एक बार कटहल की सब्जी बनाकर खाइए और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये रेसिपी? अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।